शासकीय माध्यमिक शाला न्यायगांव में मंगलवार को मध्यमय भोजन में भरा मेंढक मिला। यह देखकर बच्चे और शिक्षक घबरा गए। फौरन भोजन का वितरण बंद करवाया गया। रामपुर संकुल के प्राचार्य द्वारा इसकी जांच की गई है। मंगलवार को बच्चों को खड़ी पूरी विशेष भोजन के तहत वितरण किया जा रहा था। खीर का वितरण के दौरान जैसे ही कुछ बच्चों की थाली में खीर परोसी गई तो उसमें मरा मेंढक मिला। यह देखकर बच्चे डर गए और हंगामा शुरू कर दिया। बच्चों के साथ शिक्षक भी मेंढक देखकर तत्काल बच्चों को भोजन खाने से रोक दिया। स्कूल में 62 बच्चे दर्ज हैं। बच्चों को जब थाली में भोजन परोसने की तैयारी की जा रही थी, उस दौरान आया ने खीर के गंज को परोसने के लिए चम्मच डालकर मिलाया। पहले तो कीड़ा नजर आया, जब उसे निकालकर देखा गया तो वह मेंढक था। घटना की जानकारी तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। संकुल प्राचार्य किशन राय खेरे ने कहा कि मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है। उक्त भोजन आकांक्षा सेवा समिति के द्वारा वितरित किया गया था। बता दें कि मध्याह्न भोजन के लेकर लगातार शिकायत मिल रही है। इसके बावजूद प्रशासन इस दिशा में गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रहा है। शिक्षकों को भी मध्याह्न भोजन की जांच के लिए निर्देश है। इसके अलावा शिक्षा विभाग अधिकारियों को भी मध्याह्न भोजन के औचक निरीक्षण करना है। यह नहीं बच्चों के बीच पहुंचकर उन्हें भोजन भी चखना है, ताकि भोजन की गुणवत्ता का पता लगाया जा सके। कलेक्टर इलियाराजा टी ने निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर सलोनी सिडाना ने मामले की जांच के लिए डीपीसी आरपी चतुर्वेदी, जिला पंचायत की मध्याह्न भोजन कार्यक्रम प्रभारी परवीन कुरैशी, बीआरसी और क्वालिटी कंट्रोलर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को जांच के लिए रवाना किया है। जांच के प्रथम दृष्टया पाया गया कि प्राथमिक शाला न्यायगांव में पहली शाली में ही परोसते समय खीर में मेंढक दिखाई देने पर उसका वितरण रोक दिया गया था। इसके साथ ही शहर में सभी स्कूलों में भी सूचना देकर मध्याह्न भोजन में खीर का वितरण रोक दिया गया था। जांच दल के मुताबिक प्राथमिक शाला न्यायगांव के पास सीवर लाइन के कार्य जारी रहने के कारण मध्याह्न भोजन पहुंचाने वाला वाहन वहां तक नहीं जा सकता था। इस वजह से सहायक द्वारा करीब 100 मीटर दूर वाहन से खीर वाला कंटेनर उतारकर स्कूल ले जाया गया। जांच दल के कंटेनर को स्कूल तक ले जाने का अथवा स्कूल के कंटेनर को रोके जाने के दौरान मेंढक गिर जाने की आशंका जताई है। वहीं शाला की प्रधानाध्यापक, मध्याह्न भोजन बनाने वाली संस्था आकांक्षा समग्र विकास समिति और शाला में बच्चों को भोजन परोसने के लिए नियुक्त सहायक को नोटिस जारी किए गए हैं। भी मॉनिटरिंग किया जाता है। सेकंड, हमारी ना एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम्स भी ना मॉनिटरिंग करती है। इसका एक ना गांव लेवल पे एक अनुसरण समिति भी बनी हुई है। इवन माताएं हैं, मतलब वो भी जाके अपना ना इसका ना मध्याह्न भोजन परस रहे हैं उसका क्वालिटी के बारे में चेकिंग कर सकते हैं। आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि ये परंपरा ना खत्म हो गया हो, उसका वापस चालू करेंगे। हर स्कूल में, मतलब ना उन स्कूल के बच्चे का ना पेरेंट्स हैं, वो स्वयं जाके मतलब है ना सैंपल की तरीके से मतलब है ना खाने का ना चेक करना चाहिए। मतलब वो प्रक्रिया को हम लोग ना वापस चालू कराएंगे। मतलब वो भी एक सामुदायिक के ना मॉनिटरिंग है, एक सोशल मॉनिटरिंग हो जाएगा। समाज के ना दबाव में डेफिनेटली ना बहुत अच्छे ना खाने बनाने में ना मजबूर होंगे। एंड इसके अलावा कोई भी स्वसहाय समूह अपना